गाइस मैं अकेलेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक अकेलेश। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे वीवो के Y21s फोन में डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट लॉक गाइस कैसे ऐड करें। गाइस अगर आप भी अपने फोन की डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट लॉक ऐड करना चाहते हो, हम यहाँ से बिल्कुल आपको 100% ऐड करके भी दिखाएंगे और 100% यहाँ पे वर्किंग करके भी आपको दिखाएंगे। बहुत सी वीडियो आपको मिलेगी जहाँ पे आप डिस्प्ले में फिंगर लगाते हो बट यहाँ से आपके फोन में सपोर्ट नहीं करता और लॉक यहाँ से किसी के फिंगर से यहाँ से ओपन हो जाता है। बट हम जो यहाँ से आपको बताएंगे सेटिंग करके आप अपने फोन में यहाँ से फिंगरप्रिंट लॉक ऐड कर सकते हो डिस्प्ले, और गाइस यहां पे आपके फोन में 100% रन भी करेगा और यहां पे सपोर्ट भी करेगा। तो गाइस वीडियो को स्किप ना करना एंड गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम चलते कंटिन्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको देखिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और यहां आपको प्ले स्टोर में जाना है, यहां आपको सर्च बार में चले जाना है, यहां आपको सर्च कर लेना है टच लॉक स्क्रीन। तो हम देखिए इसको सर्च करेंगे और आपको देखिए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है टच लॉक स्क्रीन टच फोटो। तो और इसकी रेटिंग तो काफी खास है, इसको 1 मिलियन प्लस लोग यूज करते हैं, 10 लाख से ज्यादा लोग, और एप्लीकेशन भी कुछ ज्यादा एमबी का नहीं है। तो आपको इसी एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड करना है। अब देखिए यहां से हम बैक आते हैं और यहां पर हम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। एंडगिस यहाँ पे अभी ये हमारे फोन में पेंडिंग में चल रहा एप्लीकेशन, हम इस एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन करते हैं। यहाँ पे ओपन किया आपको मिलेगा स्टार्ट का ऑप्शन, यहाँ गाइस क्लिक करना है और आपको मिलेगा अनअवेलेबल परमिशन का ऑप्शन, आपको यहाँ से स्टेप बिल्कुल फॉलो करना है। यहाँ पर गाइस क्लिक करना आपको और यहाँ पे जब गाइस क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एप्लीकेशन को अलाउ कर देना है टच लॉक स्क्रीन। यहाँ पे गाइस क्लिक करके और यहाँ से आप बैक आ जाना है, फिर से वॉलपेपर पे गाइस क्लिक करना है और यहाँ जब गाइस क्लिक करेंगे फिर से आपको एप्लीकेशन को परमिशन देना है। यहाँ देखिए लास्ट में हमारे फोन में एप्लीकेशन, हम इसको देखिए अपने फोन में अलाउ करते हैं। फिर से आपको बैक आना है और यहाँ से फिर से एक बार और बैक आना, आपको मिलेगा वॉलपेपर का ऑप्शन, यहाँ गाइस क्लिक करना है और यहाँ पे ओनली दिस टाइम पे क्लिक कर देना है। यहाँ गाइस क्लिक करेंगे आपके फोन में 9 वॉलपेपर मिलेंगे, आप यहाँ से 9 वॉलपेपर के जरिए अपने फोन में यहाँ से डाउनलोड जो कि डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट लॉक ऐड कर सकते हैं। एंड गाइस अगर आपको और भी वॉलपेपर चाहिए तो आपको मिलेगा डाउनलोड अदर वॉलपेपर, तो और भी वॉलपेपर आप यहाँ से ले सकते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे हम दिखाते हैं डिस्प्ले में फिंगर लॉक लगा के और आपको देखिए कोई भी वॉलपेपर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। हम देखिए यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आपको दो बार भी टैप करके लॉक को ऐड कर सकते हो एंड गाइस आप यहाँ से 4 बार भी टैप करके ऐड कर सकते हो, यानी कि 4 बारी। तो जहाँ पे गाइस आप क्लिक करेंगे वहीं पर आपको दोनों बारी क्लिक करना है या फिर 4 बार जहाँ पे क्लिक करेंगे वहीं पर एक ही जगह 4 बार आपको क्लिक करना है। हम देखिए क्लिक करते हैं 1 2, यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं 1 2, फिर से नेक्स्ट करते हैं और यहाँ आपको मिलेगा सेट न्यू पिन 1 2, तो पिन डाल दिया। देखिए यहाँ पे कंफर्म पिन डालते हैं कोई भी पिन, तो यहाँ देखिए हम देखिए रॉन्ग पिन डाले थे यहाँ पे डाल दिए और यहाँ पे सेट सिक्योरिटी क्वेश्चन, यहाँ पे लकी नंबर फेवरेट मूवी एक्ट्रेस कोई भी चीज़ यहाँ पे लेके आप सिलेक्ट करके यहाँ पे डाल के आपको उसका आंसर और आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। हम देखिए ऐसे बैक आते हैं सबमिट कर दिए और हमारे फोन में सबमिट हो चुका और यहाँ पे आपको स्टाइलस मिलेगी, जो भी स्टाइल में आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो कर सकते हो। हम देखिए इस वॉच को लेते हैं और यहाँ यस और नो का ऑप्शन आएगा, आपको यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करने के बाद और देखिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से देखिए बैक आ गए और बैक आने के बाद अब देखिए हम अपने फोन को लॉक करते हैं। फोन को लॉक किए और यहाँ देखिए हम अपने फोन को लॉक कर दिए, फोन को लॉक किए पावर बटन से प्रेस किए और साइड का हमारे फोन में लॉक अनलॉक हो चुका। और हम देखिए गाइस क्लिक करते हैं, कहीं भी क्लिक करके अगर हम लॉक अपना ओपन करना चाहेंगे तो गाइस हमारे फोन में कहीं भी क्लिक करके लॉक ओपन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 9 सेकंड लग चुका है, गाइस टाइम लग चुका हमारे फोन में लॉक यहाँ पे ओपन नहीं होगा जब तक जहाँ पे गाइस हम क्लिक करके लॉक को ऐड नहीं किए वहीं पे, जब तक क्लिक नहीं करेंगे तब तक हमारे फोन का लॉक यहाँ पे ओपन नहीं होगा। तो देखिए जहाँ पर हम क्लिक करके लॉक को ऐड किए थे वहाँ पे क्लिक किया और हमारे फोन का लॉक यहाँ पे खुल के ओपन हो चुका है। तो आप यहाँ से सेटिंग करके अपने फोन की डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट लॉक ऐड कर सकते हैं। आई होप तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।